Good morning, dear students of class 10. Today's topic is engineering question in two variables. And question: the coach of the cricket team buys 3 bats. Coach jo hai cricket team ka buy kar raha hai 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. 3 bat and 3 ball, the 6 ball purchase kar raha hai 3,900. लेटर से बाइज अनदर बैट, फिर वह अनदर बैट खरीदता है एंड 3 मोर बॉल्स और 3 और बॉल्स खरीदता है ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1,300. तथा रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑर्गेनिकली एंड ज्योमेट्रिकली. ऑर्गेनिकली इसको रिप्रेजेंट करना है एंड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट वी रिप्रेजेंट ऑर्गेनिकली. The cost of one bat will be X and one ball will be हम लोग एक रुपया मानते हैं एंड वन बैट को एक रुपया एंड वन बॉल को क्वेश्चन. फर्स्ट सिचुएशन थ्री बैट्स एंड सिक्स बॉल्स. थ्री बॉल्स का कॉस्ट हो जाएगा, थ्री बैट्स का कॉस्ट हो जाएगा 3 × x प्लस सिक्स बॉल का कॉस्ट हो जाएगा 6 × y और टोटल दोनों मिला के कॉस्ट लगा है 3,900. इस तरह से इसको हम लोग इक्वेशन और थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा. तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 12 प्लस 2y इक्वल हो जाएगा 3,900 और इसको ऐड कर देते हैं. इसी क्वेश्चन पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वेशन. सेकंड सिचुएशन second situation he buys another bag means one bag. The cost of your x or plus 3 balls cost for your t1 or cost laga 1,300 equation. See, and this representation is called algebraically representation. इस प्रकार के रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग ऑल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. मतलब मैथ के भाषा में जो दिया हुआ है उसको हम लोग ऑल्जेब्रा मतलब वेरिएबल के भाषा में उसको लिख दिए. तो हम लोग इक्वेशन मिला था x प्लस 2y इक्वल 1,300 एंड x प्लस 3y इक्वल 1,300 एंड ट्राई टू रिप्रेजेंट geometrically. This is
is also called graphically. Projection of this situation. निकाल लेते हैं x प्लस टू आई इक्वल, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टू आई इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स और वाई इक्वल हो जाएगा 1300 माइनस एक्स बाय टू। इसी प्रकार से हम सेकेंड इक्वेशन को ले लेते हैं x प्लस थ्री वाई इक्वल 1300, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थ्री वाई इक्वल हो जाएगा 1300 माइनस एक्स और y इक्वल हो जाएगा 1300 एक्स बाई थ्री। और यहाँ पर हम लोग टेबल बना लेते हैं, जनरेट कर लेंगे x प्लस y इक्वल 1300 इक्वेशन वन, x y और दूसरा x प्लस y इक्वल 1300
for our power plant 300 400 ले रहे हैं तो आपका 300 आ जाएगा 150 से एक सिंपल अगर 700 लेते हैं देन 5 कॉल हो जाएगा देखते हैं अब इस कैलकुलेशन की हमको कोई आवश्यकता नहीं अब टॉलरेंस टेबल का यूज होगा जिसको हम लोग रब कर देते हैं से हम लोग x का देखते हैं 900 1000 तक गया है पॉजिटिव में नेगेटिव का कोई मान नहीं है और अगर y एक्सिस क्या लेते हैं 4 3 2 तो मैक्सिमम आपका 400 तक गया है इस ग्राफ को हम लोग यहां पर ले लेते हैं अब नीचे लेते हैं एक्सिस करते हैं और आपको वही पैरेडेक्स हुआ जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कॉर्डिंग करते हैं उनको यहाँ शुरू करते हैं और उसको नट ओ से कर देते हैं और हम लोग स्केल लेते हैं स्केल 1 cm = 100 on both axes both axes on the right le rahe hain ab isko hum log indicate kar dete hain Thank you.
आएगा